गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप केशरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फॉर एसएससी बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि थंबनेल पे लिखा हुआ है कि इस डिक्शनरी का ऐसे करें सही उपयोग कि वो कैब के बाहुबली हो जाओगे। ये जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज का जो सेशन है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में बात करने का है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को रटने की कोशिश करते अपने हिसाब से, और वहीं पर एक प्रॉब्लम होती है कि वो 2 पेज 4 पेज 6 पेज 10 पेज पढ़ते हैं और उसके बाद उसको रख देते हैं और कहते हैं भाई साहब बस ये रखने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं है। या कभी कोई वर्ड फंसा तो उसमें से सर्च कर लेंगे, और वैसे भी आज की डेट में लोग डिक्शनरी कम गूगल ज्यादा करते हैं, तो यहां पर डिक्शनरी को लोगों ने साइड कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर डिक्शनरी पर अगर आप फोकस करो तो आपकी यहां पर वोकैबुलरी की जो प्रॉब्लम ना बिल्कुल से छूमंतर हो सकती है। सो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को हम पढ़े, कैसे हम इस डिक्शनरी से अपनी वोकैब को अच्छी करें। क्योंकि अगर आपको ये डिक्शनरी पढ़ने का तरीका पता चल गया ना, आपको अगर इससे फायदा दिखना शुरू हो गया और इसको पढ़ने का एक्चुअल में कैसे बढ़ते हैं, कैसे इससे बेनिफिट लेते हैं, वो चीज अगर आपने सीख लिया ना, आई गारंटीड आपकी जो टेंशन है ना वोकैबुलरी की, जो टेंशन है ना आपको इंग्लिश की, वो पूरी जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये डिक्शनरी आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। तो आखिर इस डिक्शनरी को हम पढ़ते कैसे, हम एक एक करके बात करेंगे। आप लोगों ने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फटाफट वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज हम करने वाले हैं और आप सारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए वो सारी बातें बहुत सारे बच्चों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो फटाफट अगर आपने पहली बार अभी तक आपने वीडियो नहीं शेयर किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए, सो दैट हर किसी तक ये सेशन पहुंच जाए। सो गाइस, सबसे पहली बात आती है कि आखिर ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे पहला सवाल। तो इसको पढ़ने का जो मेन मोटो है, सबसे पहली चीज, इसको पढ़ना इसलिए चाहिए बिकॉज आप बिना डिक्शनरी के सपोर्ट के आप वोकैबुलरी अच्छी कर ही नहीं सकते। आप कहोगे संदीप सर ये क्या बात हो गई, हम तो न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, वहां से भी हो सकती है हमारी वोकैब अच्छी, हम तो जो है बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती है, हम वहां से पढ़ते हैं, वहां से भी अच्छी हो सकती है। बात मैं वोकैबुलरी अच्छी करने कर रहा हूँ, केवल एग्जाम क्रैक करने की नहीं, बात वोकैबुलरी अच्छी करने की, कि लाइफ में आप कभी भी अगर आप जो है वो कैब की बात आए तो आपका वहां पर वो कैब को लेकर हमेशा आपका नाम सबसे ऊपर है कि यार एक ऐसा बंदा है जिसकी वो कैब बहुत अच्छी है, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप इस डिक्शनरी का बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दो। तो आखिर कैसे हम इस डिक्शनरी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। गाइस देखो, आप यहां पे आप लोग क्या करते हो, पहले आपके तरीके को मैं बात कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा सही तरीका क्या है। आप क्या करते हो, ऐसे डिक्शनरी ओपन करते हो, बहुत एक्साइटमेंट होता है, पहले पेज से इवन आप सब कुछ पढ़ डालते हो, जो नहीं भी पढ़ना है वो भी पहले शुरुआत करते हो, क्योंकि न्यू डिक्शनरी लेकर आते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो, एक एक करके लाइन पढ़ना शुरू करते हो, है ना, और ऐसे ऐसे करके उसको पढ़ते चले जाते हो। मेन वर्ड जैसे आपने देखा कि यहाँ पे पहला वर्ड लिखा हुआ है अबैक, तो अबैक का मतलब क्या है उसको आपने देखा, दूसरा अबैकस इसका मतलब क्या है इसको आपने देखा, तीसरा अबैंडन, चौथा अबैंडेंड, पांचवा बेस्ड, छठा अबेट, सातवां जो है अबेचुआर, इस टाइप से करके आप याद करने की कोशिश करते हो। और फिर ऐसे धीरे धीरे करके आगे जब बढ़ते जाते हो तो पीछे की चीजें भूलती चली जाती है। वो कैब में देख ये भी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको कि आप जैसे जैसे आगे पढ़ते हो ना, चाहे इस बुक से हो या किसी भी बुक से हो, तो पीछे की चीजें भूलती चली जाती है। तो वहां पे क्या है कि आप एक तो लर्न हो नहीं रहे, और कोई तरीके से लर्न भी किया तो रिटेन नहीं कर पा रहे, वो भूल जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, वोकैबुलरी को जब कभी भी आप इस डिक्शनरी से याद करने की कोशिश करो, बहुत सपोर्ट करेगी ये डिक्शनरी, बस ध्यान से सुनिएगा जो सजेस्ट करने जा रहा हूं। आप जब कभी भी वोकैबुलरी को इस डिक्शनरी से याद करने की कोशिश करो तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि इसमें जरूरी नहीं कि आप एक दिन में जो है 25 पेज पढ़ डालो, फायदा नहीं होगा, एक दिन में 25 पेज पढ़ने से बेनिफिट नहीं होगा। एक दिन में 2 पेज पढ़ो, लेकिन उस 2 पेज को बड़े ध्यान से पढ़ो, क्या क्या चीज है। सबसे पहले जब आप कोई भी वर्ड उठाते हो, जैसे मान लो मैंने यहां पर उठाया कोई भी एक वर्ड ले लिया, हमने आप ले लिया एबनॉर्मल, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हमने देखा यहाँ पर कि एक वर्ड लिखा हुआ है दिस इज एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब हो गया कोई भी चीज जो भी एबनॉर्मल है यहाँ पर। अब इस एबनॉर्मल का मतलब क्या है, आपने यहां से पढ़ना शुरू किया कि हाँ एबनॉर्मल एक वर्ड है, ABNORMAL, एबनॉर्मल एक ऐसा वर्ड है जिस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, इसकी मीनिंग होती है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल, जो नॉर्मल और यूजुअल से डिफरेंट होता है उसको हम एबनॉर्मल कहते हैं, ये आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद आपने वहां पर ये देखा कि चलो ठीक है, ये तो एबनॉर्मल की बात हो गई, पहला पार्ट आपने मेन वर्ड पढ़ा, आप क्या करते हो उसी को पढ़ के स्किप कर देते हो, नहीं गलती नहीं करना। अब आपको इस एबनॉर्मल से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब इसमें दिए हुए हैं, बस आप एक एक करके पढ़ते जाओ। एबनॉर्मल वर्ड है, एबनॉर्मल से एबनॉर्मली भी बनता है, एबनॉर्मल से एबनॉर्मेलिटी भी बनता है, एबनॉर्मल से एबनॉर्मेलिटीज भी बनता है, ध्यान से सुनो। आपको एक वर्ड याद किया आपने,
लेकिन उसके साथ जितने भी पार्ट्स आप स्पीचेस होते हैं ना, वो सब इसमें दिया हुआ है। इसमें एबनॉर्मल दिया हुआ है, इसमें एबनॉर्मली भी दिया हुआ है। एबनॉर्मल एडजेक्टिव है, एबनॉर्मली आपका एडवर्ब है, एबनॉर्मैलिटी आपका नाउन है सिंगुलर, एबनॉर्मैलिटीज आपका नाउन है प्लूरल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपने यहां पर एक ही वर्ड के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस याद कर डाले ना, तो आपके लिए यहां पर चीजें आसान होगी। दूसरी बात, अभी खत्म नहीं हुआ एबनॉर्मल, दूसरी बात यहीं पे दिया हुआ है, इसी जगह पे एबनॉर्मल का एंटोनिम नॉर्मल दिया हुआ है। तो एबनॉर्मल का एंटोनिम नॉर्मल हो गया, नॉर्मल का मतलब सामान्य सी स्थिति, इसका नॉर्मल का जो है नॉर्मल एक एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब फॉर्म नॉर्मली हो जाएगा, इसका नाउन फॉर्म नॉर्मैलिटी हो जाएगा, इसका प्लूरल नाउन फॉर्म नॉर्मैलिटीज हो जाएगा। सो आपने एक शब्द याद किया एबनॉर्मल, केवल एक शब्द याद किया एबनॉर्मल, एबनॉर्मल से आपको टोटल 8 वर्ड्स लर्न हो चुके हैं, 8 वर्ड लर्न हो चुके हैं। आप पता है क्या करते हो, जब एबनॉर्मल कहीं पे आता है तो एबनॉर्मल याद करते हो, जब कभी भी एबनॉर्मलिटी आ गए तो एबनॉर्मलिटी अलग से याद करते हो, सेम एफर्ट लगाते हो, उतना ही मेहनत करते हो अगले वर्ड को याद करने में, जबकि वो वर्ड तो आपने पहले से ही याद कर रखा है। तो ये कभी मिस्टेक मत करो। आप इस डिक्शनरी से आपको, आप चाहे दिन के केवल 10 वर्ड उठाओ, लेकिन उस 10 वर्ड के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इर्द गिर्द नाच रहे ना, वो सारे निपटा डाला करो। सो बेस्ट पार्ट ये होगा कि आपके लिए वोकैबुलरी, आप एक पता चलेगा कि आपने 10 वर्ड लर्न किए, लेकिन 10 वर्ड से आपको 100 वर्ड्स लर्न हो गए। अभी आप एक ही ले लो, मैंने एबनॉर्मल की बात करी, तो एबनॉर्मल पहला वर्ड मैंने बोला, पहला एबनॉर्मल बोला मैंने, एबनॉर्मल के बाद आपका एबनॉर्मली, एबनॉर्मैलिटी, एबनॉर्मैलिटीज, चार हो गए, नॉर्मल, नॉर्मली, नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटीज। टोटल कितने वर्ड से याद कराए मैंने, एक सिंगल वर्ड से मैंने 8 वर्ड आपको लर्न करा दी। सो गाइज, इसी टाइप से बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, कोई भी उठा लीजिए, आपने कोई भी वर्ड ले लीजिए, सभी का कुछ इसी टाइप से कॉन्सेप्ट है। आपने यहाँ पर जैसे ब्यूटीफुल वर्ड ले लिया, ठीक है, अब ब्यूटीफुल वर्ड ले लिया आपने, जैसे मैं कुछ चीजें आपको लिख के समझा देता हूँ कि आखिर और कैसे ये काम करती है। जब तक आप इसके मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के साथ नहीं याद करोगे, तब तक ये आपका बेनिफिट आपको नहीं देने वाली है। सो आपने एक वर्ड ले लिया, दैट इज ब्यूटीफुल, ध्यान से देखिएगा गाइज, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट। हमने एक वर्ड लिया BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक का मतलब होता है सुंदर, आप लोग जानते हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक एडजेक्टिव है, जी हाँ, सबको पता है। अब यही एडजेक्टिव के जितने भी इर्द गिर्द नाचते हैं ना, सारे याद कर डालो, ब्यूटीफुल से बन गया BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुली का मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब हो गया, BEAUTIFY, ब्यूटीफाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब हो गया, और आपने कहा BEAUTY, ब्यूटी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन हो गया। आपने यहां पर एक ही वर्ड से देखो कितने वर्ड याद कर लिए। तो आपने याद किया केवल सिंगल वर्ड, लेकिन आपको यहां पर लर्न हो गए टोटल 4 के 4 वर्ड्स। तो ठीक यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये पर्टिकुलर बुक आपको, ये पर्टिकुलर डिक्शनरी आपको ऐसे ही हर एक वर्ड के मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीचेस याद कराएगी। आप एक को याद करोगे, उसके इर्द गिर्द सब सब दिया हुआ है, उसको भी याद करो, तो एक आपको पहला बेनिफिट आपको इस टाइप से इसमें होगा। दूसरा बेनिफिट होगा आपको इसमें कि आपको मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीचेस तो यूज होंगे ही होंगे, आपको इसमें एंटोनिम भी दिया होगा, इसमें एंटोनिम, जैसे अगर ब्यूटीफुल पे आप क्लिक देखोगे ना, तो ब्यूटीफुल का एंटोनिम UGLY भी दिया होगा, तो आपको अगली के भी इर्द गिर्द वाले याद कर डालने। बात समझ पा रहे हो, इस टाइप से आपको याद करना है। आपने कहा HATE, हेट हो गया, फिर आपने कहा HATEFUL, हेटफुल हो गया। अब हेट याद किया, हेटफुल याद किया, तो इसका एंटोनिम आपको याद करना है कि अच्छा एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होता है लाइक, फिर इस टाइप से करके आप याद करते चले जाओगे, ठीक है। आपने कहा HONEST, ऑनेस्ट वर्ड देखा, तो ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव हो गया, फिर आपने कहा HONEST Y, ऑनेस्टी आपने देखा, ऑनेस्टी एक नाउन हो गया, फिर आपने कहा HONEST ऑनेस्टली, TLY, ऑनेस्टली, तो और कई ऑनेस्टली, ऑनेस्टली क्या हो गया, ऑनेस्टली आपका एडवर्ब हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर कि एक ही वर्ड याद कर रहे हो, लेकिन उसके मल्टीपल वर्ड्स आपको आसानी से याद होते चले जा रहे हैं। जब आप इस टाइप से करते हो, आपकी वोकैबुलरी काफी अच्छी होती चली जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, अगर आप वोकैबुलरी को इस टाइप से करते हो तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो पहला, आप इस टाइप से उस वर्ड को याद रखिए, दूसरा उसके सारे, पहला आप उस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के साथ उसको याद कीजिए, दूसरा उस वर्ड के एंटोनिम के साथ आप उस वर्ड को याद, उसके एक्स्ट्रा वर्ड से याद कीजिए। तीसरे नंबर पे एक और चीज आता है, जब आप इसको याद करोगे तो मेरे बच्चों एक चीज और आएगा, दैट इज कि आप यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल भी दिए हुए होंगे, उस वर्ड के एग्जाम्पल भी दिए होंगे। तो एग्जाम्पल में एक केस और आपको करना है,
कि एग्जाम्पल देखते समय जहां पे वो वर्ड है ना, अगर वो पर्टिकुलर वर्ड किसी प्रेपोजिशन, कोई उसको प्रेपोजिशन फॉलो कर रहा है, सो प्रेपोजिशन के साथ वो वर्ड उस एग्जाम्पल में हाईलाइट दिखेगा आपको। सो आपके लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि आप उस हाईलाइटेड पोर्शन को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा, अच्छा इस वर्ड के साथ ये प्रेपोजिशन आता है। तो वहां पे ये भी बेनिफिट होगा आपको कि अच्छा हाईलाइटेड पोर्शन यानी कि ये प्रेपोजिशन भी इसके साथ आता है, नॉन के साथ टू आ गया, अच्छा नॉन टू होता है, नॉन बाय नहीं होता, ऐसे करके आपको चीजें आसानी से याद हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूले, तीन तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए इन तीन चीजों को। आई गारंटीड आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ने का जो सपना है, याद करने का जो सपना है, अगर नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि इस 2020 में आप पूरी ऑक्सफोर्ड रट सकते हो। केवल डेली का सिंगल टारगेट दो पेज, बस दो पेज, केवल दो पेज आपको पढ़ना है, केवल एक टारगेट, मात्र दो पेज, लेकिन उस दो पेज का पूरा पोस्टमार्टम कर डालिए इन तीन फॉर्मूले से, आपकी पूरी वोकैब अच्छी हो जाएगी। ठीक, आप मेरे साथ भी फ्री क्लासेस में वो कैप सीख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, नाम मेरा संदीप के सरवानी, मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पूरी इंग्लिश, बैंकिंग, एसएससी की, चाहे ग्रामर हो, वोकैबलरी हो, या तो हो आपका कोई भी रीडिंग का पार्ट, तो कंप्लीट इंग्लिश मैं विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ, जिसमें चीजों को रटाता नहीं बल्कि समझाता हूँ, पूरी इंग्लिश रटाता नहीं हूँ, पूरी इंग्लिश समझाता हूँ, मैं वो कैप समझा के पढ़ाता हूँ, मैं वो कैप विजुअलाइज करा के पढ़ाता हूँ। तो आप उस सीरीज का पार्ट बन सकते हैं। कहां पे? मेरी फ्री क्लास अनअकैडमी पे चलती है सुबह के 9 बजे। जी हां, सुबह के 9 बजे हर रोज मेरे साथ अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, मैं आपकी वोकैब की टेंशन पूरी खत्म कर दूंगा। और केवल वोकैब की नहीं, बल्कि इस 9 बजे की क्लास केवल वोकैब की नहीं, बल्कि ये टॉप 10 चीजों की है, जहां पर वोकैब तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, टोटल 5000 वर्ड्स, 5000, इसके अलावा भी आप देखेंगे तो ये सारी चीजें मैं वहां पे आपके लिए कवर कर रहा हूं, जो कि टोटली फ्री है। दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, आपको इसका एक रुपया नहीं देना, मेरे साथ केवल हर रोज सुबह 9 बजे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आना है। अब आप आओगे कैसे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे? तो उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करना है, ओपन करते ही आपको अपने मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है, सो दैट आप आराम से वहां पर उसको एक्सेस कर पाओ। और लॉगिन करने के बाद मैनेज गोल वाले ऑप्शन पे जाके आपको अपना गोल एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करना है। एसएससी एग्जाम इसलिए क्योंकि किसी एक गोल में तो पढ़ाना ही था, तो ये जो मैं 10 चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये हर एक एग्जाम वाले के बच्चों के लिए, एसएससी वालों के लिए है, बैंकिंग वालों के लिए है, यूपीएससी वालों के लिए है, स्टेट लेवल में कोई भी है, टीचिंग लाइन हो गया या कोई भी है, हर एक बच्चे के लिए। सो गाइज, आप इसको एसएससी वाले गोल पे ये सारी क्लासेस मेरी पाएंगे। जब आप इस गोल पे क्लिक कर दें तो अगले ये जो पेज आएगा, इसमें इस जगह पे क्लिक करके मेरा फुल नेम संदीप के सरवानी सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद ये प्रोफाइल आएगी, इसको बस फॉलो कर लीजिए। स्पेशल क्लास के कॉलम में आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर मेरी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, फिर देरी किस बात की, शुरुआत कीजिए आज से ही, क्योंकि आज भी है आप सभी के लिए वो कैप के समाधान, ट्रिकी तरीके से आपको कैसे लर्न कराते हैं वो आज आप आके खुद ही देख लीजिए, आज सुबह 9 बजे ही, अभी चंद मिनट्स में। ठीक है, तो चलिए गाइज, आई होप आप लोग प्रोफाइल फॉलो करके जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए। सो गाइज, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स की इस वीडियो से हेल्प हो सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो इंग्लिश में डिक्शनरी को पढ़ने का तरीका सही से नहीं अप्लाई करते, फॉलो करते, या तो उनको जरूरत है फ्री क्लासेस की। तो इस लॉकडाउन में लोगों का सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हर किसी को इस फ्री क्लास में कनेक्ट होकर उनकी इंग्लिश को अच्छी करने की अपॉर्चुनिटी उन तक पहुंचाइए। मैं संदीप केशरवानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।